आज हम लोग शार्क टैंक इंडिया के स्पेशल कॉफी आउटलेट पे आए हैं जो कि ठेका कॉफी है। यहाँ पे हीरा नंदानी के मेडोज के यहाँ पे आप आओगे तो अगर दार्जिलिंग मोमोज आप फेमस है तो, और अगर आपको दिखेगा बाजू में तो ये है ठेका कॉफी का आउटलेट। छोटी सी जगह है बट ऐसा बोलते हैं कि छोटा पैकेट बड़ा था वहाँ का, तो ये ब्रांड भी वैसा ही है और होप सो इनके कोल्ड कॉफ़ी ब्रूज जो भी है वो अच्छे हो एंड ऑथेंटिक फ्लेवर लाए, तो लेट्स सी हाउ इट गोज। भी हम लोग ट्राई करने वाले ये लोग के तीन फ्लेवर्स जो कि डार्क रोस्टेड है एंड मीडियम रोस्टेड है एंड लाइट रोस्टेड है, तो तीनों एक सीक्वेंस में रखे जो कि एक टेस्ट का पैलेट डेवलप करेंगे और ऑथेंटिकली वाइब अप करेंगे टेस्ट के साथ, तो लेट्स सी कैसा होता है एक्सपीरियंस हमारा। तो अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये अरेबिक कॉफ़ी है, 100% अरेबिक बीन्स से फर्मेंट होके बनी है एंड कोल्ड ब्रू एज इट सजेस्ट, तो इट डिफर्स वे वे हाई फ्रॉम द नॉर्मल कोल्ड कॉफ़ी। तो अभी पलंग तोड़ कॉम्बिनेशन के साथ हम लोग पी रहे हैं पलंग तोड़ फ्लेवर जो कि ठेका कॉफ़ी का है, तो लेट्स सी ट्राई करके देखते कैसा है। रियली फाइन एंड एज द कोल्ड ब्रू इज जनरली, तो इसका काफ़ी स्ट्रॉन्ग टेस्ट आ रहा है एंड काफ़ी अल्टीमेट टेस्ट है, लाइक पूरा कॉफ़ी रश अंदर पैदा करता है एंड दैट्स ऑल इट हैज गॉट। तो अभी हम लोग सेकेंड फ्लेवर ट्राई कर रहे हैं जो कि लाइट ब्रू बेस है, सो लेट्स सी हाउ इट गोज। रियली एम लाइक जो कोल्ड कॉफ़ी का जनरली टेस्ट होता है उससे थोड़ा हटके एंड थोड़ा एक लेवल ऊपर है एंड डार्क रोस्टेड बीन्स के कंपैरिजन में, तो ये जो टेस्ट दे रहा है आपको तो परफेक्टली सेटिस्फाइंग है एंड लिटिल ग्रेट लाइक हायर टू द लेवल ऑफ नॉर्मल कोल्ड ब्रू कॉफी। तो गाइस लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बी अ फूडी, स्टे हेल्दी एंड नेवर वेस्ट फूड।